राज्यसभा सांसद शिव सोरेन ने कोरोना का दी मात, ठीक होकर अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, अभी दिल्ली में ही रहेंगे गुरुजी। पिता की गुहार पर DWC ने झारखंड की बच्ची को खोजा, कई बार हुआ रेप। दिल्ली महिला आयोग ने झारखंड की 9 वर्षीय बच्ची को रेस्क्यू का करवाया। आयोग की 181 हेल्पलाइन पर लड़की ने पिता ने कॉल कर गुहार लगाई, जिसके बाद आयोग की टीम पिता को साथ लेकर कार्रवाई कर बच्ची को बरामद किया। पीड़ित ने पूछताछ में बताया कि उसके साथ कई लोगों ने दुष्कर्म किया। राजेंद्र नगर थाने में इस सिलसिले में केस दर्ज कर आगे की छानबीन की जा रही है। आयोग की टीम जब बताए गए पते पर पहुंची तो एक महिला ने बताया कि कुछ दिन पहले वो लड़की को रोहिणी सेक्टर 11 से लेकर आई थी, लेकिन बाद में उसने उसे एक NGO के पास सुरक्षित रखवा दिया। टीम ने NGO के पते पर पहुंचकर वहां मौजूद वकील से बात की तो उन्होंने कबूल किया कि लड़की उसके पास लाई गई थी, जिसको उन्होंने न्यू राजेंद्र नगर में रखवाया। वकील ने कहा कि उसने लड़की की काउंसिलिंग भी की और उसके लिखित बयान भी लिए हैं, जिसके अनुसार लड़की ने दुष्कर्म किया गया है। आम आदमी पार्टी ने जलाया स्वास्थ्य मंत्री का पुतला, कहा पूरे राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारे सरकार। आम आदमी पार्टी ने झारखंड की राजधानी रांची में रविवार को अल्बर्ट एक्का चौक पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का पुतला जलाया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था पर आक्रोश जाहिर किया। जिला संयोजक अजय मेहता ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। 12 सितंबर से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों में कई झारखंड बिहार के लिए भी जाने रजिस्ट्रेशन डेट और रूट, यहां तक देखें पूरी लिस्ट। कोरोना संकट के बीच रेल मंत्रालय ने रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी है। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे 12 सितंबर से 80 और स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। इनमें कई ट्रेनें बिहार और झारखंड के लिए भी है, जिससे इन राज्यों के लोगों ने राहत की सांस ली है। जानकारी के अनुसार पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्राधिकार में 8 ट्रेनें, जबकि पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्राधिकार से गुजरने वाली 12 स्पेशल ट्रेन आएंगी, जिसके लिए रिजर्वेशन टिकट 10 सितंबर से मिलने शुरू हो जाएंगे। झारखंड में धर्मांतर पर एक ट्वीट के छिड़ी बहस, रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर किया प्रहार। झारखंड में धर्मांतरण पर राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्वीट पर एक पोस्ट डालकर हेमंत सोरेन की अगुवाई में चल रही सरकार का बड़ा प्रहार किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नित महागठबंधन सरकार पर आदिवासियों की संस्कृति को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए रघुवर दास ने रविवार को ट्वीट किया, झारखंड में धर्म परिवर्तन जोरों पर है। हमारी सरकार ने धर्मांतर पर रोक का कानून बनाया और कड़ाई से लागू लगाया। इस कारण भय, जबरन, लोभ, लालच में होने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लग गई है। सरकार बदलते ही फिर से हमारे भोले भाले आदिवासी भाई बहनों की सांस्कृतिक नष्ट करने का काम शुरू हो गया है। यहाँ ताश के पत्ते की तरह फेंटे जा रहे हैं साहब, बड़े सत्ता के गलियारे का हाल। समझने वाले बखूबी समझ रहे होंगे कि कोरोना में जब पत्ता नहीं हिल रहा है तो ताश के पत्ते की तरह कौन रोज फेंटे जा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं बचा जो इस दौर में बचा, कोई यहाँ गिरा तो कोई वहाँ। इस गम में कि हाशिए पर चले गए, वैसे जोर तो ठीक ठाक लगाया था लेकिन थोड़ी कोर कसर रह गई। वैसे भी हर बार तीर निशाने पर तो लगता नहीं, वह दूसरा दौर था जब सबका साथ सबका विकास और जोर था। अब जब हमारे सके सारे बदल रहे हैं तो ये भला कैसे इसमें अछूत रहेंगे। वह तो किस्मत ने दगा दे दिया, कुछ साहबों का बरना जो तो जबरदस्त लगाया था। इन लोगों ने अंतिम समय में बाजी नहीं पलटती तो आज कमान रहती पास में। अब रिटायरमेंट आराम से हो जाए वही बहुत है, दुश्मनों की बुरी नज़र से ऊपर वाला बचाए। रांची बनी अपराधियों की शरणास्थली, किराए दाल का वेरिफिकेशन न होने से बढ़ रहे हैं अपराध। राजधानी रांची सहित पूरे प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह नौकरों और किराएदारों का वेरिफिकेशन न होना है। मकान मालिक द्वारा सत्यापन न किए जाने से प्रदेश में अक्सर बड़ी अपराधी घटनाएं होती रहती है। अन्य राज्यों से अपराधी प्रवृत्ति के लोग प्रदेश में आकर चोरी, डकैती, दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। वे किराएदार बनकर रहते हैं और अपराध का षड्यंत्र रच वारदात को अंजाम देते हैं। जहां कभी गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी, वहां की लड़कियां सीख रही है कराटे। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले से है। जिस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कभी गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती थी, वहां की लड़कियां अब साहसिक खेल गतिविधियों
जूडो कराटे का प्रशिक्षण ले रही है। वह रा गोरा और आसपास की छत्रा में कराटे का क्रेज बढ़ रहा है। छत्राएं आत्मरक्षा और स्वावलंबी बनने के लिए कराटे में माहिर होना चाहती है। इसको देखते हुए हाल ही में बहरा गोड़ा में झारखंड स्टेट कराटे एसोसिएशन एवं निश्चय फाउंडेशन की पहल पर कराटे प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। इसका संचालन अभी गणेश हांसदा पुस्तकालय में किया जा रहा है। यहां छात्रों से अधिक संख्या छात्राओं की है, जहां लगभग 30 से ज्यादा छात्राएं कराटे का प्रशिक्षण ले रही है। छात्राओं को अल्टरनेट डे पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका उद्घाटन खेल दिवस पर किया गया था। उन्होंने संसई राजा मंडल तथा संपई देवानंद हेमराम प्रशिक्षण कर रहे हैं। खनन में गई जमीन के बदले मुआवजा और नौकरी दिलाएंगी झारखंड सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को टाना भगत समुदाय के प्रतिनिधि मंडल के साथ उनकी समस्या पर वार्ता की। मुख्यमंत्री ने टाना भक्तों की मांगों पर विधि सम्मत निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि खनिज उत्पन्न गई जमीन के बदले मुआवजा और नौकरी दिलाने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। टाना भगत समुदाय के बच्चों को रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के पास होने के बाद रोजगार में जोड़ा जाएगा। पढ़ने के लिए हॉस्टल की व्यवस्था भी की जाएगी। वार्ता से संतुष्ट होने के बाद टाना भक्तों ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी। बिहार की तर्ज पर झारखंड के होमगार्डों को सरकारी सुविधा देने की मांग। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की पश्चिमी सिंहभूम जिला इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों के समर्थन में शनिवार को विधायक दशरथ गागराई को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के अध्यक्ष चरण चाता ने बताया कि मांग पत्र के माध्यम से बिहार के होमगार्डों को मिल रही सुविधा के अनुरूप झारखंड के होमगार्डों को भी सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। झारखंड में होमगार्डों के प्रति दिवस 500 रुपये का ही भुगतान किया जाता है, जबकि बिहार में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड की मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये मिलते हैं, जबकि झारखंड में 2 लाख रुपये दिया जाता है। झारखंड में होमगार्ड को कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना आदि का लाभ नहीं मिलता है। कहा, बिहार के होमगार्ड के जवानों को तर्ज पर प्रति दिवस 774 रुपये दिया जाता है। किन्होंने चुकाया धोनी का बकाया, जाने पूरा मामला। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का बकाया चुकाने के लिए पूर्व क्रिकेटर समूह शनिवार को झारखंड स्टेट क्रिकेटर एसोसिएशन के ऑफिस पहुंचा। पूर्व क्रिकेटर संयोजक शेषनाथ पाठक ने नेतृत्व में बिष्टुपुर स्थित JSCA ऑफिस पहुंचे और प्रतिनिधि मंडल ने 1800 रुपए का ड्रॉप ऑफिस में जमा कराया। उल्लेखनीय है कि 30 अगस्त को JSC के AGM के महेंद्र सिंह धोनी को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 1800 रुपए का कर्जदार दिखाया था। होटल व रेस्टोरेंट के बाद अब बार खोलने की मांग। CM व उत्पाद मंत्री को लिखा पत्र। झारखंड खुदरा शराब विक्रेता संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो को पत्र लिखकर राज्य के होटल और रेस्टोरेंट की तरह ही बार भी खोलने की मांग की है। संघ के महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल का कहना है कि राज्य में 5 महीने से बार बंद है। केंद्र ने अनलॉक 4 में 29 अगस्त को बार भी खोलने का आदेश दिया था, लेकिन यह राज्य में अब तक नहीं खोला जा सका है। संघ के अध्यक्ष सचित साव के अनुसार जब रेस्टोरेंट में बैठकर खाया जा सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स व जूस पिया जा सकता है, तो बियर व शराब पीने में क्या परेशानी है। बार को रात के 10 बजे तक खोला जा सकता है, इससे सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा। संघ ने यह भी कहा है कि बार मालिक 5 महीने से दुकान का रेंट व बिजली का स्टाफ का खर्च बिना व्यवसाय के वाहन कर रहे हैं, इससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, इसलिए बार खोलने का आदेश जारी किया जाना चाहिए। खबर है सोलर सिस्टम से। मनोहर ज्योति योजना का 340 ने उठाया लाभ। सरल पोर्टल या अटल सेवा केंद्र से करे आवेदन। DC रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि नवीकरण के इस युग में सोलर ऊर्जा का महत्व और अधिक बढ़ गया है, जिससे आर्थिक बचत के साथ साथ बिजली की बचत भी होती है। इसके अलावा और सौर ऊर्जा पर्यावरण को शुद्ध रखने में भी सहायक है, विशेषकर छोटी छोटी ढाणियों व खेतों में सौर ऊर्जा बेहद कारगर साबित हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा भी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की गई है, जिससे आमजन को सौर ऊर्जा के उपकरणों का विशेष सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। नमामि गंगे योजना फेल। सुंदरकरण के नाम पर हुई महज खानापूर्ति। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। नमामि गंगे योजना के तहत जिले में गंगा के निर्मलीकरण के लिए शुरू की गई परियोजना गंगा घाटों पर रंग रोगन डस्टबिन और होर्डिंग लगाने के तहत सीमित रही। इस योजना के तहत गंगा घाटों के सुंदरीकरण कराने से लेकर गंगा में गिरने वाले नालों को भी बंद कराना था, पर न तो घाटों का ढंग से सुंदरीकरण हो सका और न ही गंगा में गिरते नालों
को भी बंद किया जा सका, जबकि इसके लिए 27 करोड़ का भी बजट आवंटित किया गया था। खबर है बिहार से, राजद ने बेरोजगारी पर पोर्टल व टोल फ्री नंबर किया लॉन्च। नीरज बोले, लालू राबड़ी राज्य में रोजगार के आंकड़े बताए राजद। महागठबंधन ने बेरोजगारी के मुद्दे को बिहार में चुनावी मुद्दे के रूप में भुनाने की कोशिश शुरू कर दी है। राजद ने तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो खाली पड़े 4.5 लाख सरकारी पदों पर बहाली करेंगे। राजद रोजगार के साथ आर्थिक न्याय की बात करता है। पार्टी रोजगारी को लेकर फिर से आंदोलन शुरू करेगी। इसके लिए शनिवार को एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका नाम www.बेरोजगारीहटाओ.in रखा गया है। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर पर भी राज्य के बेरोजगारी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 9334302020 पर भी राज्य के बेरोजगार अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। डीएल और पैन कार्ड के लिए भी डाकघर में कर सकेंगे आवेदन। डीएल, पैन कार्ड, राशन कार्ड बनवाने के लिए अब डाकघर में भी आवेदन कर सकेंगे। लोगों की सुविधा के लिए इलाहाबाद डिवीजन के 10 डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर खोला जाएगा। प्रयागराज जिले में यह 6 और कौशाम्बी के 4 डाकघरों में सुविधा शुरू की जाएगी। इलाहाबाद डिवीजन के प्रधान डाकघर में कॉमन सर्विस सेंटर 3-4 दिनों में खुल जाएगा। बटन मशरूम के उत्पादन का प्रशिक्षण दे रहा BAU। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा खबर। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का मशरूम उत्पादन इकाई बोकारो, गुमला और रांची जिले में 32 आदिवासी किसानों को बटन मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग दे रहा है। इससे ज्यादातर ऐसे किसानों को चिन्हित किया गया है जो कोरोना काल में बाहर से घर लौटकर आए हैं। BAU ऐसे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए घर पर ही रोजगार देने की योजना से काम कर रहा है। खबर है देश विदेश से, अब सोच समझ कर करें ट्रांजैक्शन, छोटे और रोजमर्रा के खर्चों में भी IT डिपार्टमेंट की नजर। अब सोच समझ कर करें ट्रांजैक्शन, क्योंकि बड़े ट्रांजैक्शन के साथ साथ छोटे और मझले ट्रांजैक्शन पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा नज़र है, इसलिए उसका भी हिसाब किताब रखना जरूरी है। पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जैसे क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपया की खर्च, 30 लाख रुपया से ज़्यादा की प्रॉपर्टी की खरीद, बैंक में 10 लाख रुपया ज़्यादा डिपॉजिट, इन पर होती थी, लेकिन अब रोजमर्रा के खर्चों पर आयकर विभाग का नज़र रखा है। लॉकडाउन में बुक कराएगी फ्लाइट टिकट का पूरा पैसा होगा रिफंड, DGCA ने सुप्रीम कोर्ट को दी है जानकारी। DGCA ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए फ्लाइट टिकटों का पूरा पैसा रिफंड किया जाएगा। यह रिफंड 25 मार्च से 3 मई 2020 के बीच यात्रा करने के लिए टिकट पर लागू होगा। इसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के सभी टिकटें शामिल होंगे। DGCA की तरफ से यह जानकारी 13 जून को कोर्ट के आदेश के बाद ही दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट एयरलाइंस के साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को आदेश दिया था कि पैसेंजर की टिकट कैंसिल किए जाने के बाद उन्हें रिफंड का कोई रास्ता निकालें। भारत बांग्लादेश सीमा पर कप सिरप की तस्करी करने वाले शख्स को BSF ने मार गिराया है। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने रविवार को कहा है कि पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बांग्लादेशी तस्कर को सैनिकों ने मार गिराया है। अधिकारियों ने कहा है कि मालदा में BSF के गोपालपुर चौकी के पास फेंसेडिल की बोतलों की तस्करी करने वाले शख्स को गोली मारी गई है और उसके पास से 75 बोतल कप सिरप जब्त किए गए हैं। गब्बर सिंह टैक्स के कारण GDP दर में हुई ऐतिहासिक गिरावट, राहुल गांधी। तो आपको बता दें कि गब्बर सिंह टैक्स का मतलब होता है GST। राहुल गांधी के कहने के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा है कि GDP दर में ऐतिहासिक गिरावट का एक बड़ा कारण मोदी सरकार का गब्बर सिंह टैक्स है। उन्होंने आगे कहा कि GST मतलब अर्थात सर्वनाश, इससे लाखों छोटे परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए, करोड़ों लोग की नौकरियां गई और राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। बकौल राहुल गांधी ने, केंद्र राज्यों को GST मुआवजा देने में असमर्थ हैं। इस साल GDP में 10% की कमी से 20 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका, पूर्व वित्त सचिव। पूर्व केंद्र वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने वित्त वर्ष 2020-21 में GDP के तकरीबन 10% की गिरावट का अनुमान लगाते हुए कहा है कि इस कमी से अर्थव्यवस्था को 20 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। गर्ग ने आगे कहा कि सरकार की लॉकडाउन लगाने की रणनीति सही नहीं थी और लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई है। दिल्ली में 1,34,000 के नकदी नोटों के साथ अंतर्राज गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल ने नकली नोट बनाने वाले अंतर्राज गिरोह के 4 सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 1,34,000 के नकली नोट,
व 20,000 के अर्ध निर्मित नोट बरामद किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों के पास नकली नोटों के अलावा स्कैनर, प्रिंटर, कटर, टेप और स्याही भी बरामद हुई है। मौलिक अधिकार संबंधी केस करने वाले केशवानंद भारती के निधन पर सीएम ने जताया है शोक। मौलिक अधिकार संबंधी ऐतिहासिक फैसले वाले केस के मुख्य याचिकाकर्ता केशवानंद भारती, जो कि 79 वर्ष के थे, निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूज्य केशवानंद भारती जी को हम सामुदायिक सेवा और शोषित को सशक्त बनाने के लिए हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने भारत के समृद्ध संस्कृति और हमारे महान संविधान से गहरा लगाव था। खबर है खेल जगत से। आईपीएल 2020 का शेड्यूल जारी। 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस और सीएसके के बीच पहला मैच। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने यूएई में होने वाले आईपीएल 2020 का शेड्यूल जारी कर दिया है। सीजन की शुरुआत 19 सितंबर को अबू धाबी में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच मैच के साथ होगी। 10 दिन दो दो मैच होंगे और पहला मैच दोपहर 3:30 बजे भारतीय समयानुसार शुरू होगा। शाम के सभी मैच 7:30 बजे शुरू होंगे। सुरेश रैना का कहना है कि मैं चाहता हूं कि सीएसके के लिए मेरे नंबर पर धोनी करे बल्लेबाजी। निजी कारणों से आईपीएल 2020 से बाहर हुए सुरेश रैना ने कहा है कि वह अपने तीसरे नंबर पर फ्रेंचाइजी कप्तान एमएस धोनी को बल्लेबाजी करते देखना चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि उनके पास उस नंबर पर बल्लेबाजी करने का अनुभव है। अप्रैल 2005 में विशाखापत्तनम में दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ धोनी ने 148 रन को कैसे भूल सकते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।